इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है और लगभग 7,000 लोग इस वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही लगभग 1,00,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। लोगों को वायरस के खतरे से बचने के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान और सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ अजीब हरकतें करने से लोग बाज नहीं आ रहे और उनमें कोरोना वायरस का भय बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एक महिला ने मूर्खता की सारी हदें पार करते हुए विमान के टॉयलेट सीट को चाटने का घिनौना चैलेंज शुरू कर दिया, जिसका नाम उसने कोरोना वायरस रखा। टिकटॉक बनाने वाली युवती एवा लुइस ने 6 सेकंड का एक वीडियो बनाया है, जिसमें वो किसी विमान के बाथरूम में टॉयलेट सीट को अपनी जीभ से चाटती हुई साफ साफ नजर आ रही है। उसने ट्विटर पर लिखा कि वीडियो शेयर करने के साथ ही बताइए अपने आसपास साफ सफाई कैसे रखें। इसका नाम उन्होंने कोरोना वायरस चैलेंज रखा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो में सुर्खियों में आने वाली युवती सोशल मीडिया के अलग अलग फॉर्मेट से लगभग $4,000 की कमाई कर चुकी है। आलोचनाओं के बाद युवती ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैंने टॉयलेट सीट चाटने से पहले उसे कीटाणु सहित लिक्विड से साफ कर लिया था, इसलिए उसे घृणा महसूस नहीं हुई थी।